हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। इनसेक्स ने क्या किया है देखो यार, हमारे साथ ही दो बार हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहे थे, एग्जिट नहीं, कुछ नहीं, स्टॉप लॉस भी नहीं। तो दोनों की हमारे वेरीफाइड लिंक वो डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं और बहुत ही टाइम हुआ है, बस 5 मिनट बाकी है मार्केट के लिए, तो अभी फटाफट जाते हैं। चलो, तो अभी ऑफिस में तो आ गए, अभी ऊपर जा रहे हैं। बहुत बड़ा गैप डाउन है, तो प्रीमियम बढ़ने चाहिए। हाँ, और अभी सुबह से करने वाले सेंसेक्स में, तो अच्छे प्रीमियम मिलते तो अच्छा प्रॉफिट भी होगा। और उसके साथ साथ हम डायरेक्शनल ट्रेडिंग भी करेंगे, उस तो ऑप्शन बाइंग का देखते हैं। आज अभी टाइम हो रहा है 9:18, 3 मिनट हुए मार्केट ओपन होके। यहाँ पे देखो, कल इतना बड़ा फॉल, आज गैप डाउन, तो ये जो परसों बाउंस आया था ना, ये पूरा एक रिट्रेसमेंट था डाउन ट्रेंड का। और यहाँ पे गैप अप के साथ ट्रैप भी किया था बहुत लोगों को ऊपर जाने के बाद, अभी गैप डाउन, तो बहुत बड़ा फॉल हुआ है कल से। सेंसेक्स में तो देखो 65,000 से डायरेक्टली 200 पॉइंट का फॉल एक ही कैंडल में, तो प्रीमियम भी बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे और हमने तुरंत ही एंट्री डाली। आई भी थोड़ा अच्छा था गैप डाउन के बाद, यहाँ पे फियर बढ़ा था तो प्रीमियम अच्छे खासे मिले। और उसके बाद एंट्री के बाद देखो तुरंत ही तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिर्फ 1000 की बैच है, मतलब एक ही बैच डाली, दूसरी बैच हम दोपहर में डालेंगे। तो अभी रिस्क ऑन करेंगे, कॉल से क्या करेंगे, कॉल बढ़ रहा है, पुट बढ़ रहा है तो कॉल से क्रेडिट लेंगे। ये 40 वाला कॉल है ना, ये लेंगे। पुट अभी देखते हैं 36-35 तक जाता है तो करेंगे एडजस्टमेंट उसमें, और उसके बाद फिर रिस्क ऑफ होगा। अभी के लिए अभी 10 और 11 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, तो देखते हैं। अभी जाने के लिए भी टाइम नहीं लगेगा, अगर बहुत बड़ा फॉल कंटिन्यू करता है तो रिस्क भी होने वाली आज। बट ओवरऑल प्रीमियम अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे देखो 261% बढ़े प्रीमियम आज पुट में, कॉल 76% डाउन, तो ओवरऑल प्रीमियम अभी तक है, तो इसका फ़ायदा हो सकता है। देखते हैं कैसे ज़्यादा दिन, ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहे, आपको सीखने को मिलेगा सेंसेक्स में कैसे ट्रेड करना है, कैसे करना है, बिकॉज ये जब थोड़ा नया ऑप्शन चालू है इसमें तो बहुत ही कम लोग करते हैं, और प्रीमियम भी थोड़े रिएक्टिव है बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा, बिकॉज इंडेक्स की साइज़ देखो कितनी बड़ी है, 64,000। टाइम हो रहा है 9:25 और ये देखो जो प्रॉफिट था वो पूरा चला गया है, क्योंकि बहुत ही बड़ी मूवमेंट आ गई है। फिर से एक बड़ी मूवमेंट, कितनी कैंडल साइज़ देखते हैं अभी, देखो ऑलमोस्ट 181 पॉइंट का कैंडल साइज है ये, एक ही कैंडल ने सेंसेक्स में दिया है। तो कॉल ने बहुत ही बड़ा स्पाइक दिया, जो कॉल था हमारा ये देखो 50 प्लस गया था, तो ये शिफ्ट करना पड़ा हमें, स्टॉप लॉस लेना पड़ा उसमें थोड़ा। और ये 65,100 था, वो 65,200 पे हमने शिफ्ट कर दिया। ओवरऑल तो अभी करेंटली 1000 लॉस, 2000 यहाँ पे ऐसा फ्लक्चुएशन है, तो लगा ही था एक बड़ी मूवमेंट आती है तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है। अभी कुछ नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट करेंगे, मैनेज करेंगे इसको। अब उठा है देखो, ये ट्रेड नहीं करना आज, नहीं आज काम है थोड़ा। क्या काम है, घूमना है? नहीं, लॉन्ड्री जाना है, कपड़े धोने आज, और हाँ घूमने भी जाना है बाद में। हाँ वो इम्पोर्टेंट है, स्टॉक मार्केट नहीं है वो भी, बस स्टॉक मार्केट तो है। अभी फिलहाल ट्रिप कंप्लीट नहीं हुई है मेरी, तो मैं अभी घूमूंगा, बाद में वापस आऊंगा। पक्का बोल गया होगा सब कुछ जो सिखाया है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे बोल जाऊं, सब अच्छा सिखाया है तो याद तो रहेगा ही ना। पेपर ट्रेडिंग तो कर फिर, पेपर ट्रेडिंग, हाँ ठीक है पेपर ट्रेडिंग कर लो। आज हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। अभी ये देखो सेंसेक्स ने क्या किया है, देखो यार सेंसेक्स है ये 65,200 का कॉल, ये देखो आप, और चार्ट देखो इसका हाई देखो कितना गया, 34। और स्टॉप लॉस हमने लगाया था, बहुत ही दूर का स्टॉप लॉस लगाया था, ये देखो वही है 65,200 का कॉल है, सेम वही क्वांटिटी 48.53 को हमारा स्टॉप लॉस गया। और अभी का ही टाइम है देखो 9:41, अभी वही चल रहा है, 9:44 चल रहा है अभी। ये इतना बड़ा हमारा स्टॉप लॉस इसने ले लिया है, कुछ जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, 48 इतना बड़ा रिएक्शन, और चार्ट में तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा, आसपास भी नहीं है उसके, ये देखो अभी। तो ये सेंसेक्स में ना बहुत ही, मतलब ऐसे सिचुएशन होती है तो बहुत रिस्की हो जाएगा और बहुत ही बड़ा इसकी वजह से लॉस हुआ। हमारा प्रॉफिट चल रहा था अच्छा खासा, वो सब कुछ वहाँ पे चला गया, ऑलमोस्ट 6-7,000 का प्रॉफिट था और सीधा डायरेक्टली -17,000 लॉस दिखा वो। ये देखो इतने दूर है, दूर दूर तक यहाँ पे गया नहीं है,
और इसके ऊपर लिया है 5.0.5 ऊपर लिया और ज्यादा इस लेवल की, ये स्टॉप लॉस की लेवल थी, इसके ऊपर लिया है। तो क्या इतना बड़ा फ्रिक ट्रेड तो नहीं मैंने देखा, थोड़ा बहुत इतना होता है। नहीं चाहिए इतना, इतनी बड़ी कैंडल भी नहीं है वो होने के लिए। और फिर से हमने ले लिया है वो कितने पे, 33 पे, मतलब कितने पॉइंट का नुकसान हुआ यहाँ पे, 15 पॉइंट का नुकसान, 15,000 का नुकसान हुआ एक सेकंड के अंदर। इसकी वजह से ये हम तो सेफ ही करेंगे अभी से, स्टॉप लॉस बड़े बड़े नहीं रखेंगे एक तो, और अगर आप कर रहे हो तो सेफली करो, ज्यादा क्वांटिटी से ये सेंसेक्स वगैरह मत करो, और अगर स्किप करना है तो स्किप कर दो, कोई बात नहीं। बट ये स्टॉप लॉस था ना वो रिस्क ऑन, मतलब एक रिस्क ऑन करने के बाद वाला था, तो ये भी है कि अभी फिर रिस्क ऑन करना है तो स्टॉप लॉस लगाए या ना लगाए, ये भी अभी थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा लगा के नहीं रखना चाहिए, थोड़ा कम ही लगाते हैं स्टॉप लॉस। और हमारे साथ ही दो बार हुआ है, फर्स्ट टाइम तो था वो ग्लिच था इसका, एनएसए का बीएससी का ग्लिच था, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे थे हम, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे थे, एग्जिट नहीं कुछ नहीं, स्टॉप लॉस भी नहीं, उसमें तो पूरी लग गई थी, अच्छा खासा प्रॉफिट था हमारा ऑलमोस्ट, कितना भाई था प्रॉफिट, 20,000 प्लस प्रॉफिट चल रहा था, वहां से हम नेगेटिव में आ गए 15,000-16,000। तो ये बहुत ही बुरा है सेंसेक्स हमारे लिए, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा है। तो अगर आपको ये करना है तो कॉशियसली करो, कम क्वांटिटी से करो या फिर मत करो, नहीं करना बेहतर होगा। हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी भी है, तीनों इंडेक्स बहुत ही अच्छे, ये बीएससी ना अच्छा मैनेज नहीं कर रहा बिल्कुल भी नहीं है, लिक्विडिटी भी नहीं है। गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:10 और सेंसेक्स का चार्ट देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद फिर से ब्रेक डाउन दिया, लो ब्रेक करने के बाद अगेन यहाँ पे हाई तक, तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट है, 400 पॉइंट की मूवमेंट है ये, तो इसमें कॉल और पुट दोनों भी डबल डबल हो रहे थे, यहाँ से कॉल फिर डबल फिर पुट अभी कॉल, तो बार बार एडजस्टमेंट लग रहे हैं। और यहाँ से लॉस भी देखा जाए तो अभी बहुत ही ज़्यादा हुआ है, तो इसकी वजह से अभी 40,000 का जो मैक्स है लिमिट वो टच हो सकती है, तो रिस्क ऑफ कर दिया सारे पोजीशन, और यहाँ से रिस्क ऑफ ही करेंगे, मतलब ट्रेड अभी किल हो चुका है, ज़्यादा कुछ इसमें होगा नहीं, ये भी ज़ीरो होते तब भी बस 18,000 रिकवर होगा, तो ये भी ज़ीरो होना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ एक साइड तो बढ़ेगी, मार्केट तो ऊपर नीचे करेगा, तो उस वक्त हम फिर से रिस्क ऑफ करेंगे, नेक्स्ट स्ट्राइक पे जाएंगे, और जितना भी होता है रिकवर देखते, नहीं तो फिर मैक्स 40,000 पे कट करेंगे ट्रेड और बंद करेंगे आज का दिन। अभी 3.7 हो गए और ये ऑलमोस्ट देखो जीरो होने को आ गए, और करंट है 25 प्रॉफिट, 25,000 का लॉस, अभी देखते हैं क्या होता है, जीरो होता है तो थोड़ा और कम हो जाएगा, 1.5 के और कम हो जाएगा, अभी देखते हैं इसका क्या होता है। और नितेश का भी कर लिया है, नितेश ने प्रॉफिट कितना है भाई, 1.4K ऑलमोस्ट, 1.5 के अभी हो जाएगा, ये जीरो होते तो आज भी नितेश का प्रॉफिट, हमारा लॉस कल भी वैसा ही था। और क्या है ट्रेड सिंगर नहीं आज तो बस लेक्चर किए, नया स्टूडेंट ज्वाइन हुए कल से, तो थोड़ा इंट्रो दे दो भाई, क्या एक्सपीरियंस कैसा है स्टॉक मार्केट का, और क्या करते हो बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ। मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, मैं दो दिन से जुड़ा हुआ हूँ और अभी अभी नया हूँ, स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आया हूँ। हॉलीडे मतलब किया है पहले? हाँ पहले मालूम था थोड़ा थोड़ा, ऑप्शन में तो नहीं किया है, अभी तक नहीं किया, सीखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। कमोडिटी में किया है? हाँ कमोडिटी में किया हूँ, नेचुरल गैस। और कितने लॉट लेते थे? 5-10 लॉट लेते। फ्लक्चुएशन कितना था फिर? वो बहुत ज्यादा था, मतलब 50,000 आते जाते थे। अरे बाप रे। नाइस। अभी देखते हैं, ये तो ऑलमोस्ट अभी जीरो हो गए, देखते हैं क्या होता है, 10 मिनट में फिर से अपडेट करेंगे पोजीशन। अभी टाइम हो रहा है 3:36, मार्केट क्लोज हुआ है और बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल था, जिसे देख रहे हो यहाँ पे जो स्विंग है ना, ये साइडवाइज दिख रहा है ओवरऑल, बट 400 पॉइंट की रेंज है, ऊपर गया 400 पॉइंट फॉल, उसके बाद अगेन 400 पॉइंट के अप मूव, यहाँ पे 150 पॉइंट का फॉल, 100 पॉइंट अप मूव, तो ये बहुत वोलेटाइल है और इसमें ऑप्शन जो है वो बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे थे। तो फिर जो सेलिंग में है जो थीटा डी के वो कलेक्ट नहीं हुआ, और जो लॉस है वो आज बुक किया हमने, अराउंड 23,000 का लॉस बुक है, जो कि 0.2% है हमारे लिए, तो
ज़्यादा नहीं है, रिस्क को मैनेज किया। और देखा जाए तो अगर ओवरऑल की बात करें तो सेकेंड हाइएस्ट है मंथ का, तो ज़्यादा भी नहीं है कुछ। तो जो मैक्स था हमारा वो देखो यहाँ पे 31,000 का था और उसके बाद 8,000 का था, तो ये अभी सेकेंड हाइएस्ट हो जाएगा 25 का, तो ज़्यादा नहीं। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो 85, 85, 53, 86 तो ऐसे प्रॉफिट है। तो रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो देखो यहाँ पे 1:3, 1:4 ऐसे ही रिस्क रिवॉर्ड है, तो ऐसे ही आपको ट्रेड करना है। अगर आप ज़्यादा बड़े लॉस लेते हो एक दिन में तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट नहीं होगा, तो रिस्क को मैनेज करना है एंड अच्छे से ट्रेड करना है। लगातार दो एक्सपायरी में देखो लॉस है, बट लॉस कितना है 4,000-8,000, और प्रॉफिट की बात करें तो 80+। तो ये ऐसे आपको रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना है, लॉस के दिन आपको कंट्रोल में रखना है, ज़्यादा कुछ वहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी, और जो भी लॉस है उसको एक्सेप्ट करना है, जो भी आपका मैक्स लॉस है। तो मैक्स लॉस के अंदर ही सारा मन जा रहा है, एक भी मैक्स लॉस यहाँ पे अभी तक तो हिट नहीं हुआ, तो अभी 3 एक्सपायरी होगी शायद। फिर निफ्टी के एक है, उसके बाद थर्सडे निफ्टी की एक, तो ये दो एक्सपायरी अभी बाकी है मेन, और एक मंडे को मिड कैप जो छोटी रहेगी उसमें ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं रहेगा। तो दो मेन एक्सपायरी बाकी है, तो देखते हैं अभी क्या होता है, यहाँ पे भी प्रॉफिट निकलते या फिर जो भी रिस्क रहती है उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो आज का हो गया लॉस 23,700 का बुकिंग, और नितेश का प्रॉफिट है वो दिखाना हम भूल गए और अभी वो गया है, और मोस्ट 1,400 का उसका प्रॉफिट है। तो दोनों की हमारे वेरीफाइड लिंक वो डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो कमेंट में, एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।